कानपुर के नवाबगंज में आज नागरिक सुरक्षा कोर प्रखंड द्वारा उप नियंत्रक कश्मीर सिंह, चीफ वार्डन के रोहित मल्होत्रा एवं प्रभारी डिप्टी चीफ वार्डन एस के वाजपेयी के नेतृत्व में बाढ़ और गंगा के पानी से घरेलू सामान से कैसे लोगों को बचाया जा सके, इसके विषय में प्रशिक्षण एवं डेमो कराया गया। वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक विष्णु कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ सहायक सुनील कुमार सिंह, प्रभारी सहायक उप नियंत्रक गुलाम नबी ने प्लास्टिक के डंडे, प्लास्टिक कैन तथा प्लास्टिक के बोतलों से आम जनता को बचाने के लिए उपाय और प्रयोग कर दिखाया गया। कानपुर से संवाददाता कमर आलम की रिपोर्ट। मैं कश्मीर सिंह, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस कानपुर नगर। आज के मॉकड्रिल के बारे में बता दें। सर, आज माँ गंगा के सानिध्य में हमारे नागर सुरक्षा विभाग द्वारा आगामी बाढ़ की तैयारी के दृष्टिगत किस तरह से बाढ़ किनारे, गंगा किनारे जो लोग रहते हैं, जब बाढ़ आ जाती है तो बचाव के साधन तत्काल नहीं मिल पाते हैं, तो हमारे नागर सुरक्षा विभाग द्वारा किस तरह से घरेलू साधनों द्वारा, जैसे पानी की बोतल से या पीपों के माध्यम से फ्लोटिंग हट बना करके सिखाया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी जान माल की सुरक्षा कर सकता है और डूबने से अपनी जान बचा सकता है। इसी के तत्वाधान में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे नागर सुरक्षा विभाग प्रखंड के समस्त वार्डन, हमारे डिप्टी चीफ वार्डन वाजपेयी जी, धनंजय जी और हमारे क्षेत्र के पार्षद जी, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आम जनमानस को बाढ़ के खतरों से दृष्टगत सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी जाए। सर,